फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, मैं सो के उठ चुकी हूँ। और रात में ना यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई, तो बहुत तेज़ ठंडी भी लग रही थी। और एसी वाला रूम है ना, तो कुछ ज़्यादा ही ठंडी लग रही थी। और अभी हनी का जो पेन है ना, वो भी रिलीफ है। तो अभी हनी को भी दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो कैसे हो। तो अभी ठीक है, मतलब कल जितना पेन था ना, उससे तो बहुत ज़्यादा रिलीफ है अभी। वुड टच और हमेशा रिलीफ ही रहे। और अभी मतलब ठीक है, अभी मॉर्निंग का टाइम हुआ ना, तो अभी ब्रेकफास्ट और जो टी कॉफ़ी जो भी होगा, जूस वगैरह जो भी आएगा, वो सब आएगा अभी, तो वो ले लेंगे। तो थोड़ा सा उनको भी ठीक लगेगा। और अभी देखते हैं आज क्या है। आज हॉस्पिटल में हमारा डे टू है, और मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। कल तो मतलब ऐसी वाली हालत हो रही थी ना, तो अच्छा नहीं लग रहा था। बट अब उनको देख कर ना, थोड़ी सी अच्छी वाइब आ रही है मुझे भी। बट ये है कि आज मतलब देखेंगे, आज तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन में ही रख रहे हैं डॉक्टर। कुछ भी रहेगा तो देख लेंगे तुरंत के तुरंत ही। और देखते हैं आज पूरे दिन क्या क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ अपडेट करूंगी। तो चलो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और आज गणेश चतुर्थी है, तो आप सभी लोगों को हैप्पी गणेश चतुर्थी। सबको विश कर दो हैप्पी गणेश चतुर्थी। आप लोग सब लोग गणेश जी से दुआ कीजिएगा कि हनी जल्दी से ठीक हो जाए। जब तक ये ब्लॉग जाएगा, जब तक तो आई थिंक 11 दिन हो गए होंगे, या कोई सा पांचवा छठा या सातवां दिन चल रहा हो। क्योंकि अभी मैं बिल्कुल भी कुछ डाल नहीं रही हूँ वीडियो, क्योंकि अभी दिमाग भी काम नहीं कर रहा है और एडिटिंग करने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा है इसी वजह से। बट हाँ, मैं चीज़ें ज़रूर आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी सारी चीज़ें। तो चलो अभी मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद में। मैं नीचे आई थी न्यूज़पेपर लेने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह हनी को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है ना। तो मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही ना, रिसेप्शन पे ही न्यूज़पेपर रहता है, तो मैं वही लेने के लिए आई थी। तो उनको पढ़ने के लिए हो जाएगा। तो अभी मैंने हनी को पेपर लाके दे दिया हुआ है, तो हनी पेपर पढ़ रहे हो। और ये मैंने चादर वगैरह ओढ़े हुए थे ना, तो मैं इनको भी घड़ी बना के रख देती हूँ, क्योंकि अभी क्लीनिंग वगैरह भी होगी ना रूम की, और फिर डॉक्टर की विजिट भी होती रहती है ना। हर आधे घंटे में एक ना एक डॉक्टर आते रहते, तो फिर मैसी मैसी सा अच्छा नहीं दिखेगा। और आज सही बताओ ना, तो आज गणेश चतुर्थी है, और मतलब गणेश जी आज सबके घर में विराजमान होने वाले। बट मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि लास्ट ईयर मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी थी ना, कि जोर शोर से अपने घर ना गणपति पप्पा को लेकर आऊँगी, विराजमान करूँगी, 11 दिन मन से पूजा करूँगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। मतलब शायद पप्पा जी मेरे घर आना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम इस टाइम पे क्रिएट हो गई है। बट कोई बात नहीं, अब वो नहीं आना चाहते हैं, जब वो आना चाहेंगे तभी वो हमारे घर आएंगे। और इसके बाद ना हनी का चाय का टाइम हो गया था, तो मैं बस ना उनका बेड ऊपर की तरफ कर रही थी और उनको चाय देना है, क्योंकि अभी ड्रेसिंग वगैरह ओपन नहीं हुई है ना, तो अभी ड्रेसिंग वगैरह की भी नहीं है, तो फिर थोड़ा सा केयरफुली सारी चीज़ों का करना पड़ रहा है। और कल तो हनी बात भी नहीं कर पा रहे थे, बट आज वो थोड़ा सा बात भी कर पा रहे हैं, और थोड़ा सा ना उनको भी अच्छा लग रहा है, और थोड़े कम पेन में है ना, तो मुझे भी थोड़ा सा उनको देख करना हिम्मत मिल रही, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बस मैंने उनको चाय दी थी, बट इस डायरेक्शन में ना, मतलब पोजिशन में बैठते नहीं उनको बन रहा था, तो फिर ना उन्होंने बोला कि मैं ऐसे करके बैठ जाऊँगा, तो मैंने उनको इस साइड करके बिठा दिया हुआ है। और अभी मैं उनको चाय भी दे देती हूँ, और उनके लिए ना मैं वो जो बिस्किट वगैरह न्यूट्रेला वाले खाते हैं ना, तो मैं वही वाले बिस्किट वगैरह भी उनके लिए लेकर आई हूँ। और अभी मैं उनको बेल्ट भी लगा दी थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि अभी आपको कुछ टाइम ये बेल्ट हमेशा अगर आप वॉक कर रहे हो या ज़्यादा देर की सिटिंग है, तो प्लीज़ आप ना ये बेल्ट कैरी करो। तो बस वही कर रहे हैं। और मैं उनके लिए ना बिस्किट वगैरह लाई थी, तो मैंने उनको दे दिए हुए हैं। और ऐसी छोटी मोटी जो स्नैक वाली चीज़ें होती ना, मैं लेकर आई हूँ। वैसे तो पुणे में भी मिल जाती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट क्या ना कि मेरे लिए भी नई जगह है, तो मैं कहाँ ढूंढती फिरती करके। इसलिए मैं ना उनके लिए उनकी पसंद की जो जो वो चीज़ें खाते हैं ना, वो सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। और थैंक गॉड कि डॉक्टर ने कोई चीज़ खाने के लिए मना नहीं किया हुआ है। और इसके बाद ना घर से सबके वीडियो कॉल आ रहे थे, तो मैं सबकी वहीं पर बातें करा। माँ पापा का आ गया, बुआ जी का आया था, बिट्टू भैया लोगों का आया था, तो बस उन्हीं से नहीं बातें कर रहे हैं। और थोड़ा सा क्या ना कि देख लेते हैं ना, तो थोड़ा सा सुकून हो जाता है। अब देखते नहीं है ना, तो फिर मन में लगा रहा था कि कैसे होंगे, क्या होगा, क्या हो रहा होगा। यार फैमिली है तो थोड़ा बहुत तो डर रहता ही है ना, तो बस वही सारी चीज़ एक बार देख लेते हैं ना फ़ोन से कि हाँ सब लोग ठीक है, सब सही है, तो थोड़ा सा उनको भी अच्छा लग रहा है कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, ये लोग ठीक हैं कि नहीं है, तो वही यहाँ पे देख रहे हैं। और मैं सबको दिखा रही हूँ और सबको बोलूँ कि सब कुछ ठीक है, आप लोग भी अच्छे से रहो। और इसके बाद ना हनी का नाश्ता आ गया था, और पता पुणे में नाश्ते में क्या दिया था उनको, पोहा और सांभर। उसके साथ ना खाना सेव वगैरह तो ये मैंने डाले हुए, उन्होंने तो बिना सेव के दिया हुआ था हमको पोहा, तो मतलब मेरे लिए एक नया कॉम्बिनेशन था ये, तो मैंने तो नहीं खाया हुआ, हनी ने खाया। तो टेस्ट क्या था, मुझे टेस्ट कराया था नहीं, तो ठीक था, ओके ओके टेस्ट था। और इसके बाद ना हनी
मम्मी ने नाश्ता कर लिया था, थोड़ा सा वॉक करते हुए देखकर ना मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि फाइनली वो अच्छे से वॉक करने लगे हैं, तो अच्छा लग रहा था मतलब उनको देखकर इस तरह से, और वो भी ना थोड़ा कॉन्फिडेंटली चल रहे थे कि नहीं मैं चल सकता हूँ अच्छे से, तो बी हैप्पी। और आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अच्छे रहें हमेशा। तो बिरयानी खाना भी खाएंगे, और खाते खाते हम लोग एज यूजुअल तारक मेहता देखते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे भी तारक मेहता देखने वाले हैं। तो हनी का खाना आ गया, तो पहले मैं हनी को खाना दे देती हूँ, इसके बाद आप लोग को भी दिखाती हूँ। वगैरह हो गया है और अभी डॉक्टर आए थे देखने के लिए हनी को, तो यहाँ पे ना वो देख रहे हैं कि कितनी देर चल पा रहे हैं, कितनी देर खड़े हो पा रहे हैं। और अभी ना हम लोग जा रहे हैं स्टेयर के पास, तो अभी हनी को ना मतलब स्टेयर भी चढ़ा के देखेंगे चढ़ पा रहे हैं कि नहीं चढ़ पा रहे और कितने फ्लोर चढ़ पा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ना हनी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, और जो डॉक्टर है ना वो मतलब बहुत अच्छे हैं, हम लोगों की बहुत हेल्प की। और सीरियसली बताएं तो डॉक्टर को ऐसे ही होना चाहिए, एकदम फ्रेंडली, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तो अपन इजीली उनको बता सके, और वो भी इतने फ्रेंडली थे ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो आप हमको खुल के बताओ, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी अच्छा नेचर था, और हमारे बिग बी के ही मतलब पहचान के थे डॉक्टर, तो हमको बहुत ज़्यादा उससे भी हेल्प हो गई है। तो बस देखो हनी ऊपर से अभी नीचे उतर कर भी आ गए, तो थोड़ा सा मतलब ठीक लग रहा है अभी उनको। टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं, और अभी मैं डिस्चार्ज के कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट करने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि हम लोगों का यहाँ से अभी डिस्चार्ज होने वाला है। अभी डॉक्टर आए थे हनी को, उन्होंने वॉक करा के देखा हुआ है कितनी देर वॉक कर पा रहे, खड़ी कितनी देर रह पा रहे हैं वो, और तो सारी चीज़ें उन्होंने देख ली हुई है, सब चीज़ें ओके। पर डॉक्टर ने हमको बोला है कि 3 से 4 दिन अभी हमको यहीं स्टे करना पड़ेगा, मतलब होटल कर लेंगे, होटल में चले जाएंगे, या फिर हनी के फ्रेंड्स आए हुए तो वो लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोगों के साथ ही चलो, हम लोगों के साथ ही रहना, वैसे भी काफ़ी दिनों से नहीं मिले हनी उनके फ्रेंड्स से, तो वहीं चले जाएंगे। देखते हैं अभी कैसा क्या डिसाइड होता है, अभी कुछ भी पता नहीं मुझे, तो बस मैं नीचे आई हूँ, तो चलो अभी डिस्चार्ज के पहले फॉर्मेलिटी। मैं नीचे रिसेप्शन पे आई थी ना, तो देखो यहाँ पे ना गणपति जी विराजमान किए, काफ़ी अच्छे से ना यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ था, और नहीं देखो रंगोली भी बनाई हुई है, अच्छा लग रहा था। चलो अपने घर में दर्शन करने को तो नहीं मिले, कोई बात नहीं, बट मंदिर में दर्शन हो गए, हॉस्पिटल में दर्शन हो गए, मतलब तो भी ठीक है, चलो चलता है कभी कभी। रूम में आ गई हूँ, डिस्चार्ज की पूरी फॉर्मेलिटी कम्प्लीट कर दी हुई है, और बस डिस्चार्ज हो गए हम लोग, तो सामान वगैरह सब नीचे लेके जाना है, तो चलो चलते हैं नीचे। और नीचे की भी एक दो चीज़ें और रह गई हुई हैं, उन्होंने बोला था कि आप नीचे आइए जब तक मैं सारी चीज़ें फुलफ़िल कर लेंगे, तो चलो चलते हैं। केमिस्ट पे आई हूँ, हनी के लिए कुछ टैबलेट्स वगैरह लिखी हुई हैं, तो बस मैं वो ले लेती हूँ और फिर चलते हैं। भैया खड़े हैं, गाड़ी दिख रही होगी पीछे, तो हनी उसी में है, भैया के साथ ही हम लोग जा रहे हैं, और बिल भी आ गया हमारा, तो वो ले लेते हैं और चलते हैं। हम लोगों ने ले ली हुई है टैबलेट वगैरह भी, और बिल भी ले लिया हुआ, चलो चलते हैं। हम लोग निकल चुके हैं भैया के घर जाने के लिए, और देखो रास्ते में इतना तेज बारिश हुआ ना कि पूछो ही मत, ऐसा ना मतलब इतनी बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी ना मतलब गाड़ी के कांच के ऊपर, कि वो अलग से आवाज़ आ रही थी उनकी, इतनी तेज़ बरसात होने लगी थी। और जहाँ पे हमारा हॉस्पिटल था ना, जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे थे, वहाँ पे कोई बरसात नहीं, वहाँ तो मतलब अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, बट जैसे हम लोग 1 किलोमीटर आगे आए ना, वैसे यहाँ पे इतनी बरसात होने लगी थी, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था इधर को। और ये देखो कितने बड़े बड़े पेड़ वगैरह थे, बहुत अच्छा, जिस रूट से हम लोग गए थे ना वहाँ का मतलब जो रूट था ना बहुत अच्छा था। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं भैया के घर। हनी के फ्रेंड
फ्रेंड के यहाँ पर, तो काफ़ी देर पहले आ चुके हैं हम लोग, दिन में ही आ गए थे, 5 बजे समथिंग आ गए थे। तो बस इतने दिनों बाद हनी और हनी के फ्रेंड्स मिले थे, तो सब लोग बातें करने में लगे थे, तो अभी दिखाती हूँ। और अभी हम लोग आए थे आरती में, तो अभी अंदर भी चलते हैं, अंदर कुछ अनाउंसमेंट चल रहा है, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट अनाउंसमेंट क्या चल रहा है। तो ये देखो पीछे सब लोग खड़े हैं, हम लोग पीछे खड़े हैं, प्रसाद खा रहे हैं, और अभी अपन चलते हैं अंदर। तो मैं अभी आप लोगों को ना अंदर भगवान जी को भी दिखाती हूँ, यहाँ जो बैठा के रखे ना मल्टी में, मतलब भैया के यहाँ पे, उनके यहाँ दिखाती हूँ। हाँ ऑफिस, मतलब नीचे बैठा के रखे सोसाइटी में, मतलब मल्टी है ना, तो सोसाइटी, तो सोसाइटी के ऑफिस वालों ने सब लोगों ने मिलकर बैठा है, तो बहुत अच्छा। अभी हम लोग गेम वगैरह भी होने वाले हैं, ढूंढ लोगी क्या गेम होने वाले हैं, मुझे भी पता नहीं है, अभी देखते हैं हम लोग रुकेंगे अगर तो हम लोग देखेंगे कि क्या गेम होने वाले हैं। और पीछे देखो सबके सब प्रसाद सूतने में लगे हुए हैं, और एक ये रहे, ये ना पता नहीं क्या सुनने के लिए गए, तो अभी आ रहे हैं सुनने के लिए। और अभी हम लोग यहाँ पर हैं, अभी कुछ गेम वगैरह हो तो गेम वगैरह देखेंगे, तो फिर हम लोग ऊपर से गेम वगैरह नहीं हो रहे हैं, आई थिंक कल होंगे, तो अभी तो हैं हम, एक दो दिन हैं यहाँ पे, कल जो भी होगा छोटा बड़ा सा जो भी होगा हम कल देखने के लिए आएंगे, तो हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। अगर मैंने कल सुबह से ब्लॉग स्टार्ट किया तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी, नहीं किया तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो चलो अभी सब लोग ना ऊपर जा चुके हैं, तो अभी चलते हैं घर पर, खाना वगैरह भी बनाना है, खाना वगैरह खाना भी है, और पूरा दिन हो गया है आज इसी में। तो बहुत अच्छा लग रहा था हनी को, हनी बहुत ज़्यादा खुश है कि अपने वो मतलब फ्रेंड लोगों से इतने दिनों बाद मिल रहे थे, 4 से 5 साल बाद मिल रहे हैं, तो मतलब अच्छा लगता है ना इस तरह से, मतलब फ्रेंड्स वगैरह मिले हैं, बातें कर रहे हैं, और मतलब मुझे भी ना एक मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगने दे रहे कि मतलब मैं एकदम नोल हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छी उनकी कंपनी लग रही थी। चलो चलते हैं अभी ऊपर और